हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो इसी प्रकार आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। हाँ दोस्तों, जो पहला सवाल बनता है आपका जो है, कोणार्क टेंपल कहाँ स्थित है? तो जल्दी से किसी को पता है तो कमेंट करें कि कोणार्क जो टेंपल है वो कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है उड़ीसा में है, तो लिख लें अपने नोटबुक में कि ये उड़ीसा में है। और जो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो कौन सा है आपको पता है? तो आपको पता नहीं है तो भुवनेश्वर, जो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। और जो यहाँ का गवर्नर हैं वो हमारे गणेशी लाल जी हैं। और सीएम कौन है यहाँ के, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ जो सीएम हैं उड़ीसा के वो कौन हैं? तो ये हमारे नवीन पटनायक जी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है तो पता होना चाहिए, जल्दी बताओ क्या है यहाँ का जो लैंग्वेज है, वो है उड़िया। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो उड़िया लैंग्वेज है वो उड़ीसा में बोला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक कहाँ है? और जो एशिया का सबसे बड़ा साल्ट लेक है जो वो है उड़ीसा में, और जो इसका नाम है वो है चिल्का लेक। तो पता होना चाहिए, लिख लीजिए, जो सबसे बड़ा जो साल्ट वाटर लेक है वो उड़ीसा में है और इसका नाम चिल्का लेक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में कौन सी रिवर बहती है? तो बताइए जल्दी दोस्तों, जल्दी बताइए कौन सी रिवर बहती है। तो आपको पता होना, जो ये जो महानदी हीराकुंड डैम, यहाँ पे हीराकुंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है हीराकुंड, तो यहाँ पे हीराकुंड डैम है। तो आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे कौन सा नदी बहता है, महानदी, और कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम। तो सेकंड जो बिगेस्ट लेक जो लेक है ऑफ एशिया का वो कौन सा, अनसुपा लेक। क्या कौन सा है, अनसुपा लेक। तो पता होना चाहिए नेम ऑफ द नेशनल पार्क इन उड़ीसा, आपको पता होना चाहिए जो नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है उनके नाम पता होना चाहिए और कितने हैं। तो दो नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। एक तो भिटारकनिका नेशनल पार्क है, जो कब बना था, ये 1988 में जो बना था। और जो इसका एरिया है उसको 145 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो है यहाँ पे, तो सेकंड जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो 1980 में बना था, कब बना था, 1980 में। और एरिया कितना है इसका, वो है 845.7 किलोमीटर स्क्वायर। पता होना चाहिए आपको 845.7 किलोमीटर स्क्वायर। सो ध्यान से देखें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। दोस्तों अभी हाल में आपने सुना होगा, तो जो डिफेंस मिनिस्टर है साउथ कोरिया कौन है, कौन है, सुओ उक। कौन है, सुओ उक। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए राजनाथ सिंह है, पता होना चाहिए आपको राजनाथ सिंह है। इन दोनों ने मिलकर एक पार्क का उद्घाटन किया है अभी जो फिलहाल, आपको पता होना चाहिए। वो पार्क का नाम है फ्रेंडशिप पार्क, जो दिल्ली कंटेनमेंट में है। सो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्क है, फ्रेंडशिप पार्क, जो इन दोनों डिफेंस मिनिस्टर ने मिलकर उद्घाटन किया है। सो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, क्या है मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए भोपाल है। अब भोपाल में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 51 डिस्ट्रिक्ट हैं, लिख लीजिए 51 डिस्ट्रिक्ट हैं भोपाल में। जिसको नहीं पता है वो अभी लिख लें, अपने नोटबुक में लिख लें, साथ के साथ ही लिखते रहें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है भोपाल में, जो है 51 है। और जो सबसे लंबी नदी जो बहती है उसका नाम क्या है, भोपाल में सबसे लंबी नदी बहती है उसका नाम क्या है, तो ये है नर्मदा रिवर। कौन सा रिवर है, नर्मदा रिवर, लिख लें कौन सा नदी है, नर्मदा नदी। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो जो लोग अभी नए हैं वो लोग ध्यान से ये चीज़ को लिखें और इसे याद करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कृपया इन चीज़ों को अपने नोट, आपको पता होना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, चीफ मिनिस्टर जो एमपी के वो कौन है, वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान, आपको पता होना चाहिए शिवराज सिंह चौहान। और जो यहाँ के गवर्नर है एमपी के वो कौन है, आनंदीबेन पटेल, पता होना चाहिए आनंदीबेन पटेल जो यहाँ के गवर्नर है। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट। आप इस नोटबुक में लिख लीजिए इसको क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो नेशनल पार्क कितने हैं यहाँ पे, लिख लीजिए
सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है यहाँ पे 10 नेशनल पार्क है एमपी में, 10 नेशनल पार्क है। आप सभी को याद होना चाहिए कि कितने नेशनल पार्क है, 10 नेशनल पार्क है। सो अभी जो इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर एक मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं 2021 में, उस ड्रिल कहाँ किया जा रहा है, वो ड्रिल किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, बकलो में, बकलो में BAKLOH लिख लीजिए, बकलो में किया जा रहा है। नेम जो इस मिलिट्री ड्रिल का है, क्या नाम है मिलिट्री ड्रिल का, वज्र प्रहार क्या 2021 का, तो ये है वज्र प्रहार 2021 का, ये है पता होना चाहिए किस नंबर का एडिशन है, सबसे बड़ी बात किस नंबर का एडिशन है, तो 11th नंबर का एडिशन है ये। आपको पता होना चाहिए जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं यूएसए के बीच, वो कौन कौन सा, युद्ध अभ्यास, कॉप और टाइगर ट्रैप ये वगैरह हो चुके हैं। तो अब जो ये जो 16वां जो था वो कब किया गया था युद्ध अभ्यास, आपको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में किया गया था, और 16th नंबर का ये अभ्यास है युद्ध अभ्यास, ये राजस्थान में किया गया था। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 2020 का सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले, क्या नाम है, लिम्बोले। तो ध्यान से पढ़े कि इन्हें यहाँ सम्मान दिया गया था डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले को। तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने मराठी लैंग्वेज में बुक लिखी थी और बुक का नाम था सनातन स्ट्रगल ऑफ दलित, मतलब इन्होंने अच्छा लिखा है स्ट्रगल ऑफ दलित के पीछे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक लिखी है,